हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पेड़े में निकाल रही हूँ झाड़ू, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है, 3-4 दिन में झाड़ू लगानी पड़ती है। तो आज इसका सुबह सुबह नंबर आ गया, झाड़ू निकाल लेती हूँ पेड़े में जल्दी जल्दी। कि नीचे का झाड़ू पोछे आने से पहले झाड़ू लगा लूँगी तो धूल मिट्टी हो जाएगी, वो साथ में ही झाड़ू के साथ निकल जाएगी और फुट पोछा लग जाएगा। अगर बाद में निकालूँगी तो झाड़ू का कचरा उधर गिरेगा। यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में बना रही हूँ कचरी की चटनी। आज गांव से कचरी आई थी, ताज़ा कचरी है। इनको छील लेती हूँ कि छीलने में इनको टाइम लगता है। ताज़ा कचरी होती है तो जल्दी छिल जाती है, अगर 2-3 दिन रखी रहती हैं तो छिलका और टाइट हो जाता है। छीलने में बहुत टाइम लेती हैं, इसलिए ताज़ा आई हैं आज ही, तो इनकी चटनी बना लेते हैं। संडे भी है तो संडे में सभी को गरम गरम रोटियों के साथ चटनी दही और घी के साथ अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने कचरी की चटनी बनाने के लिए लिया सामान। सामान में है हरी मिर्च, लहसुन और कचरी। लहसुन छील लिया है और कचरियों को भी छील लिया है। अब इसमें जार में डाल के पीस लेती हूँ इनको। चटनी मैंने पीस लिया और यहाँ पर चढ़ा दिया फ्राई पैन। फ्राई पैन में डाल दिया मैंने घी। घी में ही फ्राई करूँगी, तेल नहीं डालती चटनी में, क्योंकि घी से ही टेस्टी बनती है। घी गरम हो गया है, इसमें डाल देती हूँ पिसी हुई कचरी। इस चटनी को सिम आँच पर पकाऊंगी, क्योंकि तेज आँच पर पकाऊंगी तो सारा घी उछल जाएगा, इसलिए सिम आँच पर ही पकाऊंगी इस चटनी को। चटनी पके कितने लगा लेती हूँ आटा। चटनी भी बन के तैयार हो गई और आटा भी लग के तैयार हो गया। बना लेती हूँ रोटियाँ। ऐसा देसी खाना छुट्टी वाले दिन ही बना सकते हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन गरम गरम खाना सभी खाते हैं तो अच्छा लगता है।
खाना मैंने बना लिया है और थाली मैंने लगा दी है, आप लोग भी खाना खा लीजिए। गरम रोटियों में घी डाल के और चटनी डाल के और दही के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप में से कौन कौन खाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी का खाना पीना हो गया है, अब कर लेती हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन साथ साथ कर लेते हैं तो हो जाते हैं, नहीं बाद में बैठ जाते हैं आलस से लगता है, तो फिर शाम को ही चाय के टाइम बर्तन कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ साथ ही बर्तनों का काम भी निपटा दिया और किचन को साफ भी कर दूंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं कि न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं कल आपको।